नमस्कार। क्या हुआ बादाम? वेलकम बैक टू अलकायस व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफ़ी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी दवाई लेके मुझे कुछ हद तक राहत मिली है, तो सुबह खाली पेट ये लेना, उसके बाद मुझे नाश्ता करना है, तो चलो फटाफट दवाई ले लेते। अच्छा है, खासता कचौड़ी भुजिया एंड ये आलू, तो इसको हम गर्म करवा के आ रहे हैं। कचौड़ी खाने में ही मज़ा आता है यार, सब्जी के साथ। थैंक यू। आइए, आलू मटर की सब्जी, अचार, फल का। हेलो मम्मी, आज आप खिला दो प्लीज। मम्मी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मजा आएगा आपके हाथ से खाने में। दोपहर का समय, मम्मी खा पी के मस्त सो जाती है। सुनो, क्या गरम पानी कर लो, हाथ मुंह धो के पाउडर लगा के पूरा कपड़ा चेंज करो, सब धोने में रखो कपड़ा। ओके डन। डॉक्टर मना किया है गाइज मुझे नहाने के लिए, तो इसीलिए हाथ मुंह धो लेते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ गर्म पानी हाथ मुंह धोने के लिए। बार बार छत पर भाग जाती है, इतनी ठंडी हवा में बैठ जाती है। एंड यहाँ तो वो नहीं है, वो ऊपर छत पे होगी। चलो देखते हैं छुपके से कि वो क्या कर रही है। देख रहे हैं आप क्या कर रही है। कर लिया मैंने, बिकॉज अभी थोड़ा वेपर लेंगे हम, थोड़ा सा विक्स डाल दिया है। इसके बाद अब मुझे मेडिसिन लेना है, तो मैंने ये आम पापड़ा ले लिया है, क्योंकि मेडिसिन खा रहा होता है तो आम पापड़ा खाऊंगी। हमारे लिए कुछ भेजा है, इतना सारा लड्डू, इतना सारा लड्डू। मम्मी सो गई थी, अभी सो के उठी तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज साइंस सिटी का व्लॉग किया जाए। बिकॉज आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि साइंस सिटी में इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगा है, वहाँ विजिट करने को। तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आई हैं और अपना अपना प्रोडक्ट्स लेके आई हैं, जैसे दुबई, बांग्लादेश और भी बहुत सारी कंट्री है। तो आज मैं वहाँ विजिट करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि आखिर दुबई में क्या क्या सामान मिलता है, क्या क्या नहीं, बांग्लादेश का सामान क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। टॉप पहन रही हूँ जो कि ब्लू कलर की है, वाइट कलर की साइड साइड में है। ये टॉप बहुत पुरानी, 2 साल पुरानी, लेकिन नई लग रही होगी बिकॉज मैं इसको एक ही बार पहनी थी। बाकी सब कुछ मैंने खिंडा दिया है, आप देख सकते हो, सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं क्या पहनूं। और आप ये देखो, एमएक्स चकाटक की टॉप, जो मेरे 1 मिलियन कम्प्लीट होने पे मेरे को एमएक्स चकाटक वालों की तरफ से मिला था। बहुत सारे गिफ्ट्स थे, आपने देखा होगा व्लॉग, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना कि एमएक्स चकाटक वालों ने क्या क्या गिफ्ट दिया था। ये टॉप बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है, एक्चुअली इसका कलर बहुत प्यारा है, मैंने ना ऐसे बूट्स वेयर कर लिया। चलो फटाफट चलते हैं मेगा ट्रेड फेयर में। मेरा आवाज सुन के आपको पता ही है, बाय करने आएगी, नहीं आई यार ये रही मम्मी। एंड आपको यहाँ से टिकट कटाना होगा, देखो टिकट काउंटर 60 रुपीज़ टिकट करके लगेगा। यहाँ पे देखो जूम करके दिखा रही हूँ, कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, तो ब्रांड्स एंड कॉस्मेटिक्स हम लेते ही रहते हैं, तो इसको हम नहीं जाएंगे अंदर, बाकी हम जाएंगे कहीं और, जाएंगे दिल्ली का सरोजनी मार्केट, क्योंकि मुझे सरोजनी मार्केट काफ़ी पसंद है। पर अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। कारपेट्स वगैरह ये देखो, बहुत सारे कलेक्शन है आगे, ठीक है। शूट चप्पल भी है, कितने का है भैया? 400 के जोड़ी है यार, 400 के रेट में बहुत सारा चप्पल है, क्यूट सा, जो आप घर पे पहन सकते हो। ये सो यहाँ घुसते ही मोदी कोट मिल रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे बॉटल्स मिल रहे थे, पिक एनी 999 का। भैया रेडीमेड नहीं है ना आपके पास? 1500-2000 के रेट पे बहुत प्यारे प्यारे चेन्स थे एंड इयररिंग्स थी, बड़ी बड़ी प्राइजेस सब कुछ लिखे थे एंड चूड़ी वगैरह था, ज्वेलरी था, पूरा ज्वेलरी का एक तो शॉप था यहाँ पे। मुझे ये वाली ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी, गोल्डन वाली। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स थे, ट्रे थे, 599 पर केजी था, तो आप पर केजी के हिसाब से ले पाते।
और बहुत ही सुंदर सुंदर प्लेट्स हैं, आप देख सकते हो। ये ब्राउन वाले प्लेट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड ये देखो नाश्ता के प्लेट के कलर्स बहुत अच्छे थे, पिंक एंड लाइट ग्रीन, एंड ये मैगी वाली थी तो कलर्स है ना, कलर्स देखकर एकदम अट्रैक्ट हो रही थी मैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे हैंडलूम्स के असम के साड़ी दिखे जो कि बहुत ही अच्छे वर्क किए हुए थे, देखो असम के साड़ी। और यहाँ पे दूसरे हाथ से मिला कर देखो, दूसरे हाथ से मिला कर देखो, एक मिनट फर्क ऑफ स्कार्फ भी लगे थे 100 रुपीज 200 के रेंज में। और यहाँ पे एक तो क्या प्राइस है इसका, कौन सा वाला? ये अपना 800 ये model क्या प्राइस का है? ये बता रहा हूँ, देखिए जो मॉडल बनेगा वो चलेगा, ठीक है? सिंगल किट है, सिंगल किट में 100 पीस मिलते हैं, 700 में दे रहे हो आप, इससे हम कुछ बना सकते हो। एक शॉप था जहाँ पे 100 रुपीज़ की आप कोई भी ज्वेलरी चूज़ कर सकते हो। ये सब इयरिंग जो है 100 रुपीज़ करके थी, एंड ये जो भी सेट देख रहे हो एक पीस आपका 100 रुपीज़ का पड़ता। इसी को और चेंज कीजिए आप, एक हॉल था वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड मिल रहा था, वहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था इसलिए मैं अंदर घुसी ही नहीं। उसके बाद हम गए अप्लायंस पे कुछ देखने के लिए, लेट्स सी क्या क्या मिलता है यहाँ पे ना। जिम का सारा सामान मिल रहा था यहाँ पे, साइकिलिंग के लिए, एंड यहाँ पे गैस गीज़र वगैरह सब कुछ था, फैंस भी था, सारे हाइट के फैंस लगे थे, और यहाँ पे कैंट भी था और ओवन, और साथ में ये टोस्टर देख रहे हो वो 1500 का टोस्टर था, ये मुझे पसंद आया लेकिन ये काफ़ी छोटा था, देखो खोलने के बाद ये काफ़ी छोटा लग रहा था सो मैंने नहीं लिया। यहाँ पे केला का चिप्स था जो कि चेन्नई फेमस केला का चिप्स था, तो हर एक जगह का एक स्पेशली चीज़ आया हुआ था, स्पेशलिस्ट चीज़, तो केला का चिप्स। यहाँ पे मैं बांग्लादेश के अंदर घुसने वाली थी, लेट्स सी बांग्लादेश में क्या फेमस है। तो ये 7000 की साड़ी थी, 10 रुपये का बॉटल था जूस का, एंड यहाँ पे ना बिस्किट्स भी थे टोस्ट वाली जो मैंने पापा के लिए लिया। अंकल ये क्या प्राइस का है? 50। हमारे यहाँ पे माजा मिलता है लेकिन यहाँ पे मैंगो कैफी मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे बॉटल्स रहते हैं। और साथ में यहाँ पे राजस्थानी बहुत ही है, 800 करके हील्स थे। उसके बाद मैं अफगानिस्तान घुसते ही सारे ड्राई फ्रूट्स दिखे, क्योंकि ये क्या है? अच्छा ब्लूबेरी है, ये क्या है? 4000 रुपए किलो। ताकत हो जाएगी ना मुझमें। अफगानिस्तान घुसोगे तो ड्राई फ्रूट्स जरूर लेना क्योंकि यहाँ का फेमस ही ड्राई फ्रूट्स होता है। खजूर टेस्ट करते हैं, ये खजूर बहुत टेस्टी है। यहाँ पे खजूर था, बहुत महंगा था लेकिन बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। भैया ये देखो, हाय नमस्कार। जाए 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 जाए। सो गाइस पीने में ये पूरा पानी जैसा लग रहा है और थोड़ा सैफ्रॉन का टेस्ट भी आ रहा है, पर ये कोई एंगल से चाय तो नहीं है, आप इसे चाय नहीं बोल सकते हो यार, पानी ही पानी है बस इसमें। यहाँ मुझे 7000 का कुर्ती दिखा यार, देखने में बहुत सुंदर था। यहाँ पे कोरियन कलेक्शंस लगे थे, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो लिया मैंने। यहाँ पे देखो मैंने क्लिप्स आपको दिखाया, कोरियन क्लिप्स ऐसे होते हैं। साथ में यहाँ पे क्लचर्स के डिज़ाइन भी बहुत अच्छे लगे, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ के रेट में एक था, तो यहाँ पे ये क्लचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम गए इंटर दुबई लेके चलती हूँ और यहाँ पे दिखाती हूँ कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन। यहाँ घुसते मुझे कोट दिखा, ज्वेलरी क्या प्राइस की है? 2000 भी है क्या साथ में? ये सब बड़े साइज है, 5XL। लहंगे के कलेक्शन थे, कुर्ता था, बहुत सारे वाइट कुर्ता था, बहुत सारे लहंगे थे, आप देख सकते हो। वाइट वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, 7500 दाम था तो मैंने नहीं लिया वो वाला। सो यहाँ पे लालटेन वगैरह जो होता है जो आप खिड़की पे लगा सकते हो वो भी था। बहुत सारे इयरिंग्स थे लव शेप के, कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के रेंज में। यहाँ पे छोटे छोटे इयरिंग्स भी बहुत सारे थे, ये ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऐसे इयरिंग्स मैं नहीं पहनती हूँ आपको भी पता है, तो अगर आप पहनते हो तो आप यहाँ विजिट करके ले सकते हो।
तो यहाँ पे मुझे एक संदूक दिखा, ये येलो सूट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो 1500 के रेंज में आप कोई सा भी सूट ले सकते हो, लेकिन ये सिलाई किया हुआ नहीं था। यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर वॉचेस दिखे, आप देख सकते हो, पुराने ज़माने का चॉकलेट्स दिखा जो कि दुबई फेमस चॉकलेट्स था, तो आप देखो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे ना बहुत सुंदर सा जैकेट दिखा, तो ये भैया ने 2000 इसका कॉस्ट बोला था, लेकिन दिक्कत ये था ना ये बहुत ही हैवी और भारी था, तो हमारे कोलकाता में इतना ठंड पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ल्यू वेटॉन का बहुत ही अच्छा सा बैग दिखा जो कि 800-900 के रेंज में था। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे मार्बल के फिनिशिंग के पॉट्स दिखे, और ये वाइन ग्लास दिखा जो कि मार्बल का था, 2000 का एक था, समझ रहे हो। अब इतना फिनिशिंग से बनाया गया है तो कॉस्टली तो होगा ही, राइट। और यहाँ पे छोटा वाइन ग्लास भी था। उसके बाद हम इंटरनेशनल हॉल में गए, अंदर घुसते ही मुझे बहुत सारे वही कोरियंस क्लचर्स वगैरह दिखे, तो ये वाले क्लचर्स के कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, 200 and 100 के रेंज में बहुत सारे क्लिप क्लचर्स वगैरह मिल रहे थे, ये 50 के रेंज का था। एंड यहाँ पे 200 के आपको नॉर्मल बैक पिन भी मिल रहा था। ये वाले क्लिप्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बटरफ्लाई वाले क्वीन वाले क्लचर्स एंड ये क्लचर्स। और ये वाला कुछ यूनिक दिखा, इसको आप लोग खोल के ना ऐसे अपने बन में लगा भी सकते हो जुड़ा में। यहाँ पे स्क्रंचीज भी थी, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे ईयरिंग्स भी थे। और ये सब ईयरिंग्स के कॉस्ट है ना 100 रुपीज़ के टू थे, ये 300 का एक था, वन वाला जो आप दिखा रहे हो ना मैं वो 300 का। यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस मुझे देखे, क्लिप्स वगैरह आप देख सकते हो, 200 का आपको पॉट्स वगैरह मिल रहा था, तो ये फ्लावर वास आप खिड़की पे लगा सकते। निशा का स्पेशल यहाँ पे अच्छे अच्छे पॉट्स थे, एंड इनका वर्क आप देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखाई, बहुत अच्छा वर्क का तुनिशा स्पेशल शॉप दिखा मुझे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे अच्छे जार्स वगैरह भी थे इनके पास। लेबनान का स्पेशल ज्वेलरीज वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल था, आप देख सकते हो, इतना सुंदर ब्रेसलेट्स वगैरह था, पर थोड़ा कॉस्टली था। यहाँ पे ना रिंग्स वगैरह 800 के थे, रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, आप देख सकते हो बटरफ्लाई वाला। एंड यहाँ पे क्लचर्स वगैरह भी थे और ज्वेलरीज वगैरह भी बहुत सारे अवेलेबल थे, आपको ध्यान से मैंने दिखाया वो भी जूम कर करके, कुछ जगह कैमरा अलाउ नहीं था फिर भी मैंने दिखा दिया। 300-400 के आपको यहाँ पे सजाने के आइटम्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे सूट आप देख रहे हो बहुत सुंदर था, और यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी के शॉप थे। ये हैदराबाद का पर्ल्स था, आप देख सकते हो, हैदराबाद फेमस पर्ल्स यहाँ पे थे। यहाँ पे कुछ ब्रांडेड बैग्स भी लगे हुए थे, क्रिश्चियन 2000-3000 का सोपेस भी था। एंड यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आपको साउथ अफ्रीका के ज्वेलरी कलेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो साउथ अफ्रीका में इस तरीके का ज्वेलरीज वेयर किया जाता है, एंड काफ़ी अच्छा मोटा मोटा ज्वेलरीज मिलता है। किससे बनाया? जेब्रा के सिर से बना हुआ है। किससे? स्नेक के चमड़ा से। ऊंट से बैग बनाया हुआ, देखो। नहीं मैं क्या करूँ, दुबई में ऐसा लड़कियाँ पहनती है ना। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे सोपीस दिखे जिसके वर्क काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे हैंडलूम्स का साड़ी मुझे दिखा, वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे गेट दिखा जो कि नेट का गेट था, इसमें मच्छर नहीं आता, ठीक है, कांच का नहीं था। यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट भी दिखे जिसका वर्क जो है पूरा हाथ से किया हुआ था, तो आप भी देखोगे। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे अच्छे बैग्स दिखे जिनके कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, फ्लावर प्रिंट पे पिंक कलर के, एंड ये प्लेन वाली भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी, पर सबसे अच्छा मुझे वो पर्पल वाला लगा, आप देखो, देख कर ही आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जूट के वॉल हैंगिंग आइटम्स थे जो कि बहुत अच्छे से बने हुए थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑरेंज कलर के स्पॉन्जेस भी लगे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सूट थे जो कि बहुत ही ग्लो कर रही थी। यहाँ पे मुझे जूती वूती दिखा, इसका प्राइस जो है ना 300-400-500 के रेंज में था। वॉल हैंगिंग के कलेक्शंस भी बहुत प्यारे थे, आप देख सकते हो। सो अब यहाँ पे हम फर्नीचर के अंदर घुस गए, तो यहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर्स के आइटम्स थे। कुछ जगह कैमरा अलाउ नहीं था जो कि रॉयल लग रहा था देखने को, बट कोई ना, जहाँ जहाँ देखना अलाउ हुआ मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे अवेलेबल थे सोफ़ा के, और बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था, और काफ़ी अच्छा बेड्स वगैरह भी था, पर ये सब बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली था, आप देख सकते हो। ये पूरा मार्बल का बना हुआ भी था, और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे 5000 के 6000 के ना, कि जिसका बड़ा हॉल होता है वो लोग लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे 1500 का जो सूट था मैं मम्मी के लिए लेने आ गई थी, और यहाँ पे मेगा गिफ्ट काउंटर था जहाँ 3000 के अबव अगर आप खरीदते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ली ही नहीं यार, अपने लिए गिफ्ट लिया नहीं मैंने, बहुत भीड़ में लाइन लगाना पड़ता, तो इसीलिए मैं पॉपकॉर्न लेने आ गई अपने लिए, मैंने गिफ्ट को मिस कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने चीज़ पॉपकॉर्न ले लिया है और अब मैं खाते खाते जाऊंगी। बहुत सारे शॉपिंग कर लिया था तो मैंने पीली टैक्सी कर ली, और अब मैं जा रही हूँ घर।
गिफ्ट लेके आई हूँ मैं, वही दिखाते हैं। तो मम्मी का गिफ्ट इसके ये आपका गिफ्ट है मम्मी, सूट पीस आपको सिलवाना पड़ेगा, पूरा रॉयल लगेगा पहना हुआ, मम्मी पूरा गोल्डन है, देखो वर्क किया हुआ है। खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो, दिखाओ कैसा लग रहा है। तो गाइज ये इसकी चुन्नी है ना मम्मी, चुन्नी प्लेन है एंड ये पूरा वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर है मम्मी, काम दिख रहा है, दिखाओ बहुत अच्छा है मम्मी, अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा, पसंद आया सच में, थैंक गॉड। बता रहे मम्मी को एकदम पसंद नहीं आया, पसंद आया तुम मम्मी जब गए, मम्मी गए ना तुम खुद बोली थी टॉफी, जल्दी बोलना यार क्या बोल रही है, तो हार गई ना, तो मम्मी बोली अच्छा? नहीं पसंद आया मम्मी आपको, झूठ मत बोलो, चेंज कर देंगे, बोलो सच बताओ, मम्मी को नहीं पसंद आया। पापा देखो मम्मी को ये कुर्ती पसंद नहीं आया, इतना सुंदर है देखो सूट पापा, रॉयल चीज मम्मी को पसंद नहीं है। प्यारा सा बैग लिया है, ये 130 रुपए का है, भूल से यार मैंने देखा ही नहीं, पर ये कलर बहुत अच्छा है मम्मी, खुलने वाला है। टॉफी तुम लेस मंगवाई थी अपने लिए, लो ये देखो कैसा लगा मम्मी, सुंदर है, खोलो इसको थोड़ा, बंदेज का लिए है, अच्छा ये बंदेज का, मम्मी को ये ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको ये ज्यादा अच्छा लगा ना, पर आपका रॉयल है मम्मी, आप पे वैसा टाइप का अच्छा लगेगा। ये चुन्नी है, ये पूरा बंदेज का है, सो 1500 का लिया मैंने, यहाँ लिया, ये देखो, ये देखो मम्मी रबड़ कितना सुंदर है, मजबूत है पूरा, ये बटरफ्लाई वाला भी अच्छा लगा था, ले पापा लो, आप चाय के साथ खाना ये, ठीक है, रुको एक और चीज आपके लिए, लो ये भी आप चाय के साथ खाना, चाय के साथ खाने के लिए, ओ बिस्कुट चाय, ये पता है कहाँ का है, ये दूसरे कंट्री का लेके आया है, कौन सा कंट्री नाम याद नहीं आ रहा है, टॉफी तुम्हारे लिए, हाँ खजूर, अफगानिस्तान का खजूर है भाई, अफगानिस्तान का बहुत महंगा बादाम। आज कोफ्ता बनाया और मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मुझे पाव भाजी खाने का काफ़ी मन कर रहा था, वहाँ पे फूड कोर्ट में इतनी भीड़ थी ना कि मैं कुछ खाई नहीं, तो मैंने ना बॉम्बे शिव सागर से मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया, पाव भाजी आ रही, आ गए भैया लेने, थैंक यू, थैंक यू। साथ में ये केसर का डब्बा, केसर 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 देखिए आपके चेहरे पे खुशी आ गई, अफगानिस्तान का केसर है पता है मम्मी, ये पहनने के लिए, तो अभी मेरा चप्पल निकला हुआ है, सो ये नेक्स्ट बार निकाल लेंगे, मम्मी चमक जाता है, मतलब हम बताएंगे, दो ऐसी कलर बहुत ज्यादा ही प्यारी है, देखो मैं दो केला का दिखती हूँ, फेवरेट चीज यही लगा मम्मी, ये प्लेट देखते मेरा दिल आ गया, इसको मम्मी ऊपर रखना, हम खाएंगे इस पे खाना वाना, आप छोटा प्लेट देते ना, हम इसी में खाएंगे आपसे, जी का प्लेटिंग रेडी है और ये आप प्लेट देख सकते हो, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, और ये एक्स्ट्रा मैं रख दिया मैंने एक बार के लिए, इतना टेस्टी एंड डिलीशियस पाव भाजी इस प्लेट पे लग रहा है, 24 खिला लो मैं खा लूंगी यार, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा यम्मी है यार, इनमें उठ के बोलोगे ना यार पाव भाजी खा ले, मैं उठ जाऊंगी, सच में मेरा फेवरेट है, तो आपका फेवरेट डिश क्या है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, और मैं खा लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ, बाय बाय, व्लॉग ये एंड करते हैं, कल मिलते हैं और एक अमेजिंग व्लॉग के साथ, बाय बाय, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।